हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नई कहानी सुनेंगे, एक चतुर बंदर की कहानी। तो एक बार की बात है, एक चतुर बंदर था जो कि 8000 बंदरों का राजा था। एक दिन सारे बंदर जंगल में घूमते घूमते बहुत आगे चले गए और उन्हें बहुत प्यास लगने लगी। उन्होंने सब जगह पानी ढूंढा, फिर उन्हें एक तालाब दिखाई दिया जिसके अगल बगल बड़ी बड़ी बांस उग रही थी। पर राजा बंदर ने सभी बंदरों को चेतावनी दी कि नई जगह होने के कारण पानी पीने लायक है या नहीं, इस बात की जांच करनी पड़ेगी। इसीलिए राजा बंदर ने पूरे तालाब का मुआयना करना शुरू किया। फिर उन्होंने देखा कि तालाब की तरफ कुछ पैरों के निशान आते हुए तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन वापस जाने के कोई निशान नहीं थे। यह देखकर राजा बंदर ने सोचा कि शायद पानी के अंदर पानी का राक्षस है। तो ये बात जब राजा बंदर ने बाकी सब बंदरों को बताई तो सब बहुत उदास हुए। उनका प्यास के मारे दम घुट रहा था। पर तभी राजा बंदर ने एक युक्ति सोची। उसने कहा कि पानी के अंदर ना जाकर भी सभी बंदर पानी पी सकते हैं। उसने तालाब के बगल से एक बांस लिया, उसे अंदर से पूरा खोखला कर दिया और उसका एक सिरा पानी में फेंक दिया। फिर दूसरी ओर से स्ट्रॉ की तरह चूस कर उन्होंने पानी पीना शुरू किया। तो इसी प्रकार सभी बंदरों को पानी पीने मिला और पानी का राक्षस किसी को मार भी नहीं पाया। तो बच्चों, ये थी चतुर बंदर की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। बाय।